हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे आप उनको भी सुन लीजिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है रणजीत जी? हाँ हाँ नमस्कार जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सर, सवाल मेरा ये है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और अंशुल छत्रपति से आप वाकिफ होंगे, अंशुल का भी एक गंभीर आरोप है। हाँ बिल्कुल जान। हाँ आप जानते होंगे, ठीक है सर। सवाल यही है कि गुरमीत राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है, मैं जो जेल है वो अदालत नहीं है, हमारा जो एक ही काम है ना जी जेल में, कि जब किसी को सजा होती है तो सेशन जो लिख के देता है कि इस आदमी को इतनी सजा है, इस तारीख से लेके यहाँ तक आपके पास जेल में रहेगा, हम उसे जेल में रखते हैं, कस्टडी में ले लेते हैं, उसके बाद उसका अंदर खाना पीना देखना, उसकी सेह देखना, बीमार से डॉक्टर को अटेंड करवाना, उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा काम है। इसके बाद हम कोर्ट नहीं है, बाद जब कभी कोई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे पैरोल देगी तो उनका काम है देना, फिर जेल का काम है। हम ड्यूटी से बाद जो ऑर्डर आते हैं उसको हमें फॉलोअप करना पड़ता है, उस ऑर्डर से हम उसे दे देते हैं। जब वो जेल कार्ड जब बाहर अपनी पैरोल कार्ड के अंदर आ जाता है तो हम ले लेते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारा खाली ड्यूटी से जेल में उसकी रखवाली, उसकी सुरक्षा करने का काम। सर आप ये हरियाणा के जेल मंत्री के तौर पर जवाब दे रहे हैं, एक राजनेता के तौर पर मेरा सवाल आपसे है सर, एक सजायाफ्ता शख्स जेल से पेरोल पर या फरलो पर बाहर आए, वो सत्संग करे और उसके सामने विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर हाथ जोड़कर खड़े रहे, ये कहां तक जायज है सर? क्या मैसेज सोसाइटी को जा रहा है? मैंने देखा नहीं, मैं कभी गया नहीं, मैं आपने भी एक बात सुने कि अगर कोई जेल के अंदर कोई आदमी है वो अगर बाहर जाके अगर वो पोलो खेलता है या वो अगर क्रिकेट खेलता है तो उसको हम उसकी लाइफ में हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, हमारा काम है उस दिन से जब तक उसकी पैरोल तब तक उसे बाहर वो रहे। लेकिन रणजीत जी, बीजेपी की तरफ से जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो पहुंच रहे हैं उनका सत्संग अटेंड करने के लिए, ये आप उनसे पूछे ना, मेरे रणजीत सिंह ने नाम आप ही की पार्टी के नेता है। नहीं नहीं सर 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 ठीक है, मैं आप सर बतौर जेल मंत्री आप अपने बात को अपने कामों को बता रहे हैं, ठीक है सर, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, कानूनी तौर पर भी कोई गलत नहीं है। मैं सर एक सवाल है कि सोसाइटी को क्या मैसेज जा रहा है, मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूं, आप ये छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप एक संवैधानिक ओहदे पर बैठे हैं उस तब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप जो कहेंगे मैं पूछूंगा, खुल के पूछो। देखिए हर एक की अपनी मानसिकता नजरिया होता है, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं एक भगवान को मानता हूँ, परमात्मा को मानता हूँ जिसने सृष्टि रची है, जिसने जन्म दिया है, मैं केवल उन्हीं को मानता हूँ, मैं कभी किसी और चक्कर में घूमता नहीं, ना मैं इस बात को जानता, ना कभी वाद विवाद में किसके लिए प्रति से किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट करना भी बुरी बात है। इस करके मैं हर एक के अपने अपने विचार है, उसकी अपनी भावना, उसको मैं आप नहीं करता। देखिए फंडामेंटली हस्बैंड वाइफ से बड़ी कोई कड़ी नहीं होती, वो भी दोनों जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई नजदीकी है वो है, उनको भी कई बार विचारों पे सहमत नहीं होते, उनके भी हर बात पे वो सहमत नहीं, उनमें भी मतभेद आ जाते हैं। देखिए जो कोई वाइफ, इसकी प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र, हर आदमी का अपना अपना उसका फंडामेंटल राइट है, वो कहीं भी जाए, कौन किस धर्म को माने, इस वाद विवाद में पड़ते नहीं हम सेकुलर।